शहरघाट थाना क्षेत्र के राम जानकी चौक स्थित सेंट्रल बैंक से दो साथी ठग को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार ठग की पहचान दरभंगा जिले के हायाघाट थाना क्षेत्र के नैयाम निवासी बिशो भंडारी का पुत्र जितेंद्र कुमार भंडारी व समस्तीपुर जिले के हथौरा थाना क्षेत्र के हबका गांव के छेदी भंडारी का पुत्र नरेश कुमार के रूप में बताए गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार 1 जुलाई 2021 को शहरघाट थाना क्षेत्र के पिहवारा गांव निवासी रवि कुमार पासवान शहरघाट के भारतीय स्टेट बैंक से 49,000 रुपया खाता से निकाल कर घर जा रहा था, जहां रास्ते में दोनों ठग ने रवि कुमार पासवान से 2 लाख का झांसा देकर कागज का गड्डी थमाकर फरार हो गया। जिसके बाद बुधवार को सेंट्रल बैंक में फिर ठगी करने पहुंचे दोनों को कुमार पासवान ने पहचान लिया, जहां स्थानीय लोगों के सहयोग से दोनों को पकड़ा और पुलिस को सूचना दे दिया। सूचना मिलते ही एएसआई जामुन मंडल पुलिस बल के साथ बैंक पहुंचकर दोनों ठग को गिरफ्तार कर लिया। विदित हो कि इन दोनों ठगों ने इलाके के कई लोगों के साथ ठगी कर चुका है। इस बाबत थाना अध्यक्ष सुरेंद्र पासवान ने कहा, दोनों साथी ठग है। रवि कुमार पासवान के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर दोनों को न्यायिक हिरासत में मधुबनी भेज दिया गया है। स्टेट बैंक से 50,000 रुपया निकाले, 50,000 रुपया निकालने के बाद ये बिचौलिया आया और मुझे अपने जाल में फंसा कर और ये मेरे से पैसा ठग कर भाग गया। कब निकाला था, कब ठगा था? 2 तारीख 7वां महीना में। तो फिर आज कैसे आपको पता चला यहाँ? जी मैं यहाँ पे आया था, मैं अपनी बीवी के लिए फॉर्म लेने के लिए अकाउंट खुलवाने के लिए, तो मैंने इस वक्त यहाँ पे इसे खड़ा देखा तो मैंने उसे पहचान लिया और तभी इसके ऊपर मैंने टॉर्चर किया। तो फिर ये क्या बताया जब आप इसे पूछे तो? तो ये बोला कहाँ का कैसा कुछ नहीं हम जानते हैं। मैंने पूछा आपका घर कहाँ है, तो बोला दरभंगा। राजू उस दिन क्या बताया था? दरभंगा दिया नहीं, उस दिन कुछ नहीं बताया था। केरवा कंसलवा के साइड का नाम बताया था।